नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 51 दिनों से किसानों का हल्ला बोल है, वो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने के बाद भी किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं और वह अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तीनों कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच ये नौवें दौर की वार्ता होगी। हालांकि किसान नेताओं को उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीद है कि चर्चा वो संक्रामक होगी और आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ शुक्रवार यानी कि आज कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवनों का घेराव करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और राहुल गांधी भी दिल्ली में उपराज्यपाल के निवास तक ये मार्च करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसको लेकर सभी राज्य की इकाइयों को भी सूचित कर दिया गया है कि वे राजभवनों का घेराव करें। तो उधर सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि अन्ना हजारे ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किसानों को फसल की लागत से 50% अधिक मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन पहले इस संदर्भ में सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है और इस मुद्दे पर अब तक 5 बार आपको ये पत्र भेजा लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला, अन्ना हजारे ने कहा है। और साथ में ये कहा है कि इस वजह से जनवरी के अंत में रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू करने का ये फैसला लिया है। उधर किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अपने जारी बयान में कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे 4 सदस्यीय कमेटी में मनोनीत किया है ताकि केंद्र के लाए गए 3 कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू हो सके। मैं समझता हूं कि इतनी जब एजिटेशन चल रही है, उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटीमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूं कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। वो दो दिन का ऐसे लगा, 12 तारीख को आफ्टरनून मीडिया के मित्रों ने मुझे बताया कि एक कोई मान है, कुलवंत सिंह मान या कौन उसका नाम है, वो आप हैं भारतीय किसान यूनियन के। मैंने कहा मेरा तो ये नहीं है। किसी और ने फिर फ़ोन किया कि बलदेव सिंह मान है, मैंने कहा वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी ने एक किया है, तो मैंने कहा जितनी देर तक मुझे कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मैं। तो लगातार किसानों को जो हल्ला बोल है वो जारी है। 51 दिन है आज किसानों के प्रदर्शन का, इसी के चलते आज सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होने वाली है। तो इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक है नरसिंह मीना, प्रवक्ता है भाक्यू से, तो दूसरे हैं कैप्टन सिंह, बीजेपी नेता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो सर, सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी से पूछा जाएगा, पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार किसानों का हल्ला बोल है और 51 दिन पे जा पहुंचा है, लेकिन अब जो बातचीत की जा रही है कि आज बैठक में उम्मीद लगाई जा रही है और केंद्र ये बोला है कृषि मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि आज उम्मीद है कि किसानों की समस्या का हल निकल सके, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, सरकार शुरू से ही उम्मीद लगाए है कि किसानों के साथ कोई ना कोई जरूर निकलेगा। सरकार कभी ना उम्मीद नहीं हुई है, सरकार हरदम किसानों के साथ है, किसानों के हित के लिए सोचती है और आज भी सरकार वही सोच के बैठेगी
कि किसानों के साथ जो है ना वार्ता जो भी निकले सकारात्मक हो और किसानों के हित की बात हो, जिसमें किसानों को फायदा हो, जो बिल किसान लेके जो सरकार लेके आई है वो किसान हित में लेके आई है। तो आज भी सरकार वही सोचेगी कि आज इस तरह से जो इस बिल को पास किया जाए उस किसान नेता हमारी बात माने, मगर अब ये किसान नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना विवेक लगाते हैं या उनके जो ताकतें विवेक लगा रही है उनकी बात करेंगे। अगर उस तरह के नेता इनके बीच में आएंगे तो लगता है कि मुझे शायद किसान नेता एक ही हट जो बार बार पकड़ के आते आज भी वही रटेंगे कि हमें तो सिर्फ कानून वापस कराना है। तो कानून वापस कराना किसानों की मांग बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ ये तो मांग क्या मांगे सर? आपने देखा होगा किसानों की मांग तो ये है कि ये काला कानून है, देश को किसी तरह से शर्मिंदा किया जाए, देश हित में बात ना की आए। जिस तरह से आपने देखा होगा चर्चाएं चल रही है कि वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान समर्थक टोटल आगे बैठ गए बैठ चुके, किसान आंदोलन ये बचा कहाँ है? फिर भी सरकार उम्मीद लगाए है। सर आपसे पहले भी इस बात पे बातचीत हुई थी, आपने फिर ये आपने किसानों को फिर खालिस्तान बोला है, क्या आपको लगता है अगर खालिस्तान है तो आपकी जो आपकी सरकार है सर, आप वहाँ जाके जहाँ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको जो खालिस्तान है उनको गिरफ्तार कर लीजिए ना फिर? करिश्मा जी आपने देखा होगा कि वहाँ खालिस्तान नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो देश को शर्मसार करने वाली बात हुई है। वहाँ क्या नारे लगाए गए थे कि मोदी मर जा तू, इस तरह की ये जो वहाँ महिलाएं थी, महिलाओं का हमारे देश में जो रूप माना गया है एक माँ और बहन का रूप माना गया है, मगर जिस तरह की महिलाओं ने वहाँ ये नारे लगाए बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं के नाम पे कलंक। ये बिल्कुल सहमत है सर, ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई है और आपत्ति शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नरसिंह मीना जी जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन सिंह ने बोला है कि वहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक तरफ वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन कैसे समाधान निकल सकता है सर, आप बताइए इस पर। नमस्कार, मैं आपके टीवी चैनल के लिए धन्यवाद करूंगा जी कि आपने हमें मौका दिया। देखिए मैं भारतीय किसानियों ने लोक शक्ति के प्रवक्ता के निजी तौर पर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय किसान लोक शक्ति देश के सत्तान और देश की संस्कृति इसमें आस्था रखती है और एक अनुशासित संगठन है और मर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार हमको भी नहीं है, नहीं हमारे ऊपर किसी को भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जी। तो इन चीजों से हम सहमत नहीं है और जहां पर हमें कहीं इस तरीके की शिकायत है तो ये सरकार का कार्य है इसमें दोषारोपण ना करे, सरकार अपनी नजरों में उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको बंद करे। बिल्कुल, इसमें हमारा क्या है, क्या सहयोग और क्या है असहयोग, ये तो सरकार अपनी नजरों से मॉनिटरिंग करे ना जी। तो सर हमेशा बीजेपी हमेशा ये कहती आ रही है, शुरुआत से जब से आपके प्रदर्शन शुरू हुआ है तभी से कहते आ रही हैं कि वहां पर खालिस्तानी है, जो असली जो किसान है वहां किसान तो खेती कर रहे हैं अपने घर जाकर, लेकिन अब वहां पर जो मौजूद हैं वहां खालिस्तानी है, आतंकवाद है, आतंकवादी है, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? जी सरकार का कि क्यों नहीं सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, क्यों उनको हटाना नहीं चाहती है, और अगर ये इसी तरीके के अराजक तत्व हैं और असंवैधानिक तौर पर ये बैठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भी कार्रवाई हो गलत इनको हटाए या जो भी है वो करना है। कहने से अगर ये आपका प्रचार करते रहेंगे करेंगे नहीं तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात जिम्मेदारी से हट रहे हैं। मेरा तो यही कहना है बिल्कुल क्या कार्रवाई करो, हम ही क्यों ना हो, पर ये है नहीं ऐसा, सबको बदनाम करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। देश के अन्नदाता के साथ एक अपमानजनक टिप्पणी करते रहना और रास्ते की बात पर ना आना ये बहुत दुखी है। हम कहना चाहेंगे आपको कि जो 51 दिन हो गए सर्दी में, ये हल कहीं ना कहीं निकलना चाहिए और बातचीत तो एक एक हफ्ते के लिए दो दो हफ्ते के लिए बीच में बंद हो रही है, एक तो लगातार इसको परिणाम में बदलना चाहिए लगातार चलाकर। भाई हम कहते हैं कि एमएसपी को गारंटी का कानून बनाओ और
बाकी जो मुद्दे हो सकता है कि कहीं ना कहीं संगठनों की हमारे जो प्रतिनिधि हैं सभी आपस में कहीं ना कहीं बातचीत करके कोई और रास्ता बीच का रास्ता निकलेगा, तो ये एनएससी वाला मुद्दा बहुत जरूरी है। जी आसिंह जी, अब आपका रुख करेंगे, आपसे यही सवाल है। लगातार देश भर प्रदर्शन के जो समर्थन में है, हर बार किसानों के समर्थन में और कांग्रेस है, सारी विपक्षी पार्टी की अगर बात करें, लेकिन इसी के पर अहम चर्चा अगर बात करें, हरियाणा के जो इनेलो के जो विधायक है, दिग्गज नेता है अभय सिंह चौटाला, वो उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी के चलते अब जो हरियाणा में सियासत गर्मा गई है, राजनीति सियासत, और इसी के चलते अभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कुमारी शैलजा का एक बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो नेता है, वो कई जो नेता है वो उनके संपर्क में है। करिश्मा जी, चाहे हरियाणा के नेता हो या पंजाब के नेता हो, इनकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अलग, ये बीजेपी के नेता नहीं है। सर, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ना, किसानों के हक में है सब, देश है पूरा। आप करिश्मा जी थोड़ा सुना करें। जी बोलिए, सुनते हैं सर, आपकी तो सुनते हैं। आप पूरी बात सुनेंगी तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए सर। ये चाहे अकाली दल भी हमारे साथ बरसों से था, मगर पंजाब में उसको हमसे अलग होने की उसकी एक मजबूरी थी। अगर वो हमसे अलग नहीं होते तो उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस उनको खत्म कर देगी पंजाब में। किसानों के साथ वो जानते हैं कि ये किसानों का मुद्दा हम जो लेके चल रहे हैं बिल्कुल नहीं गलत है, मगर उनकी मजबूरी है, फिर भी उन्हें हमारा साथ छोड़ के और किसानों के मुद्दे में शामिल होना पड़ा। तो इसी तरह से हरियाणा में है, तो आप इस सर, आपके कुछ नेता ही, आपके नेता ही समर्थन में है ना पूरे किसानों के, जब आपके नेता ही इसमें शामिल है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना सर। नहीं, हमारे नेता कहीं से कहीं कोई शामिल नहीं है, हमारे नेता हमारे साथ है, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग सर, ये तो आप गलत कह रहे हैं सर। कुछ हाल ही में हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है ना सर, उन्होंने खुद ने ऐलान किया था कि हम किसानों के समर्थन में, अगर उनके हक में ये, अगर उनके हक में ये नहीं आया, अगर मैंने नहीं कर पाई, उनकी जो मांगे है पूरी नहीं हो पाई, मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। सर ये तो गलत कह रहे हैं ना आप। हमारी पार्टी चौटाला जी हमारी पार्टी के हमारे नेता नहीं है, वो हमारे सर गठबंधन तो है सर, हरियाणा के गठबंधन तो है ना, हरियाणा के गठबंधन है सर, बीजेपी बीजेपी। देखो गठबंधन और नेता दोनों बातें अलग होती है करिश्मा जी, वो हमारे नेता नहीं है। कैसे अलग होते हैं? तो गठबंधन में है तो गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो अपनी मर्यादा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ एक राजनीतिक हमारा गठबंधन है, ना कि हमारा एक विचारिक, और ये गठबंधन बन गया राजनीतिक गठबंधन है, मगर वो हमारे नेता नहीं है, नेता हमारे पार्टी के होते हैं। अच्छा। तो वो अब वहाँ पर उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें अगर गठबंधन ऐसे ही बन जाता है सर, आप गलत बात कह रहे हैं सर। अगर आपके हक में बोलते तो ठीक है, वो हमारे नेता है, अगर वो किसानों के समर्थन में है तो वो कह रहे हैं हमारे नेता नहीं है, सर ये गलत बात है आपकी। चलिए अब बात करते हैं अगले, जिस तरीके से आज बातचीत होने वाली है, हालांकि इन्होंने किसानों ने साफ कह दिया कि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातचीत होगी, क्या लगता है? अरे भाई हम तो सब कुछ कर ही रहे, हमारी तो जांच एजेंसियां लगी हुई है, वही सब कुछ निकाल के ला रही थी, वहां पर कौन बैठे हैं, कौन हरकतें कर रहे जी, हमारी जांच एजेंसी सब लाके हमें बता रही है। सर ऐसे कब तक गतिरोध जारी रहेगा सर? सर गतिरोध कब तक? आप उनके साथ में बैठ के जो है ना बादाम का हलवा खाएंगे सर? ये गलत, आप उनको पकड़ते सर, ये गलत बात है सर, आपकी गलत बात है, हम किसानों के साथ है सर, ये गलत बात कह रहे हैं। मीडिया के बारे में ऐसा मत कीजिए सर, मत कहिए सर, आप गलत बात कह रहे हैं। दिल्ली को चौपट कर दिया इस टाइम सर, हमेशा आपके बेतुका का बयान रहते हैं सर। दिल्ली में सारी इंडस्ट्री, नरसिंह जी की तरफ रुख करेंगे सर, आपका क्या कहना है सर? आपकी बात सुनेंगे, नरसिंह जी आपका क्या कुछ कहना है, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, अगर आपकी आज बातचीत नहीं हो पाई प्रॉपरली, जो जिस तरीके से लगातार बैठक की जा रही है, हर बातचीत बेनतीजा हो रही है, अगर आज की जो बातचीत है उम्मीद तो नहीं है लेकिन आपको, क्योंकि ये किसान लगातार कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो उम्मीद इसलिए टूट गई है ना, हर बार जो बातचीत होती है उसमें बातचीत में कोई भी हल नहीं निकलता, अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है सरकार आज भी बातचीत करती है तो बातचीत की जाएगी, अगर कहीं ना कहीं मुद्दा हल होता है तो बहुत सौभाग्य है हमारे लिए और देश के लिए, और यदि नहीं होता है तो हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय सचिव हैं
मास्टर स्वराज सिंह जी उनके उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं श्री ए सी सिंह जी और ये 18 तारीख को उसमें कोर्ट में हमारी सुनवाई है, उसमें अपना पक्ष रखेंगे और अपना पक्ष रखने के साथ साथ अपना जो भी होगा आगे का बताया जाएगा। ताकि कहना यही है कि हम संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इसी बात पे बात ये आपने जिस तरीके से कहा ना कि शांतिपूर्ण है, चलिए ठीक है, लेकिन हाल ही में अगर आपको पता होगा हरियाणा के करनाल में जो हरियाणा के सीएम आए थे मनोहर लाल, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, शांतिपूर्ण बनाए रखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी शांति नहीं बनाई रखी, तोड़फोड़ की गई है। ये अपना अपना विवेक और अपना अपना जज्बात है और कौन अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, कौन अपना बिखर जाता है, इसमें मेरा ज्यादा कहना कुछ नहीं हो सकता। किसान तो वो भी है ना जिन्होंने शांतिपूर्ण नहीं बना के रखी और वहां पर जहां पर सीएम आने वाले थे मनोहर लाल, तो वहीं पर उन्होंने एक आतंकी तौर पे दिखाया, उन्होंने कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां माहौल क्रिएट किया है, हालांकि वहां पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखने को मिला, सर ये तो बात सही नहीं है ना सर। आप वैसे एक तरफ ही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा देखने को मिलती है तस्वीरें। इन किसानों को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया, वहाँ पहुंचे, उनसे इनकी जवाबदेही ली जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा है। और बाकी मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, किसान तो वो भी हैं, एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक इस देश की कृषि और कृषि से जुड़े हुए अपना पालन करने वाले सभी मजदूर और किसानों की तरफ से बच्चा बच्चा इस देश का किसान है और अन्नदाता है, उसकी पीड़ा है कहीं ना कहीं झलक रही है और जो देरी हो रही है उसके अधिकार को सुरक्षित करने में ये बहुत बड़ा दुखदायी हो रहा है। चलिए आप दोनों मेहमान थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, इससे आपसे दोबारे रुक करेंगे इसी खबर पे, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इसी जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के प्रदर्शन का, जिस तरीके से आज किसान का जो प्रदर्शन का 51 दिन है और लगातार किसान जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज सरकार और किसान के बीच में बातचीत भी होने वाली है, देखना लाजमी होगा कि बातचीत कितनी अहम होने वाली है क्योंकि लगातार जो बातचीत हो रही है सरकार और किसानों के बीच में हर वो बातचीत बेनतीजा हुई है, लेकिन उम्मीद ये भी है कि आज जो बातचीत होगी काफ़ी अहम होने वाली है, इसमें हल भी निकल सकता है। इसी के साथ हमारे दो मेहमान पहले से जुड़े हुए थे, तो सर कैप्टन नाइ सिंह जी, लगातार किसानों का हल्ला बोल है और क्या लगता है, हालांकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आज जो उम्मीद है जगाई जा रही है, उम्मीद की जो किरण है, आपको क्या लगता है क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया कि हमें उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीद टूट चुकी है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? करिश्मा जी, किसान की उम्मीद तो तब होगी जब उसमें किसान होंगे, किसान है ही नहीं, वो तो पहले से ही मानसिकता बना के बैठे हैं। सर ये आप फिर वही बात कर रहे हैं, सर ये गलत बात, कोई बात नहीं, हम बात वही कह रहे हैं जो सत्यता है, शायद आप सत्यता को कबूल नहीं करना चाह रही, वो बात आपकी अलग है। सर हम वही आपको बताए 65 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है और इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर खालिस्तानी है, ये सर गलत बात है ना? नहीं, वो किसानों की वो मृत्यु हो चुकी है तो वो उसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो वहाँ पर उनको बैठा के रखा है जबरदस्ती। तो सर फिर हल निकालो ना सर, हल निकालो ना सर, हल निकालो फिर।
सरकार तो हल निकाल रही है, सरकार क्या कह रहे हैं कि हम कानून हटा देंगे? पेज कहाँ फंस रहे हैं? मुट्ठी भर किसानों के लिए इन आतंकवादियों मुट्ठी भर सर डिसीजन बदल ले मुट्ठी भर अन्नदाता है सर वो देश के अन्नदाता ही अन्नदाता नहीं है सर देश के अन्नदाता है अन्नदाता नहीं है आतंकवादी है जो सर वो आप बेतुका बयान फिर दे रहे हैं सर देश के प्रधानमंत्री की मरने की ये नारे लगाने वाले आतंकवादी है अरे सर आतंकवादी है तो गिरफ्तार करा लीजिए ना फिर आप बार बार में कह रहे आतंकवादी है तो आप गिरफ्तार करा लीजिए गिरफ्तार भी लोग भी परेशान हो रहे हैं सर लोग भी परेशान हो रहे हैं फिर बातचीत भी क्यों की जा रही है सर एक सेकंड आप भी कह रहे हैं आतंकवादी कह रहे हैं ना एक सेकंड सर नरसिंह जी एक सेकंड रुकिए सर आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है ना किसान फिर भी बातचीत हो रही है सरकार फिर बातचीत भी कर रही है सर ये तो गलत बात है ना फिर सरकार अपनी तरफ से फिर भी पोलराइटी रखता है कि आप फिर भी आइए हमारे पास मगर जहाँ आतंकवादी को कौन बुलाता है सर आतंकवादी को कौन बुलाता है सर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द जहाँ निकाले जाए कि मोदी मर जा तू तो ये किसान हो सकते हैं बताइए किसान कैसे हो सकते हैं ये तो देश के नास्तिक लोग हैं किसान के नाम पे धब्बा है किसान के नाम से वहाँ जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं ये किसान नहीं है किसान नहीं है किसान अपने खेतों में काम कर रहा है ये जो वहाँ बैठे हैं खालिस्तानी है तालिबानी है और ये सीरियाई है ये एक भी जो है ना वहाँ किसान नहीं बचा है वहाँ टोटली देश के विरोध खड़े हुए लोग है देश जो विदेशी ताकतें हैं उनकी उनका सहारा लेकर विदेशी एजेंडा चल रहा है और एक्शन भी लिया जा रहा है जहां की एजेंसियां काम कर रही है एक्शन भी लेने नरसिंह जी आपका क्या कुछ कहना है इस पे मेरे साथी जो बैठे हैं ये इनको प्रमाण पत्र जारी करें कि ये आतंकवादी है खालिस्तानी है जो भी है और यदि है ये करिश्मा जी एक भी नहीं बचेंगे ये सब जेल जाएंगे जितने यहाँ विदेशी फंडिंग वाले बैठे हैं ना जो जो मोदी मर जा देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की जो है ना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक भी नहीं बचेगा बताइए किसान हो सकते हैं ये महिलाएं जो कह रहे हैं मर जा मोदी महिलाओं को महिला के रूप इस देश में मार और बहन के रूप में देखा आवाज नहीं समझ में आ रही है सर कौन अपनी बात रख रहा है सर आवाज नहीं आ रही है महिलाओं के नाम पर कलंक है इनको तो महिला ना कहके तारका कहना चाहिए तो ये केशवा जी ये अब आंदोलन नहीं बचा है अब विदेशी ताकतों का आंदोलन है ये बिल्कुल नहीं है आप हमारी बात को समझे ये आंदोलन के नाम पे विदेशी ताकतें अपने लोगों को वहाँ बिठाए सरकार को कैसे भी सरकार की खजियत कराने के लिए और ये कहते हैं ना 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे वही ट्रैक्टर देश का गणतंत्र जो है ना पूरा फल देखता है यहाँ पे एक मैसेज देश हित में एक मैसेज आप उसके ऊपर ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे आप आईसिंह जी सर ये कह रहे हैं कि अब ये किसान नहीं है ये आतंकवादी हैं खालिस्तानी हैं अब इनको सीधा अब यही काम करना पड़ेगा इनको जेल भेजना पड़ेगा आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर मैं कहता हूँ अपने साथियों से जो मेरे साथी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आप इनको प्रमाण पत्र जारी करके ये संविधान से ये दिखवाओ इनको पहचान के ये आतंकवादी है खालिस्तानी है ये देशद्रोही है इनको सजा क्यों नहीं दिलवा रहे सरकार इस काम को क्यों नहीं कर रही सजा दिलवाने का काम करें इनको हटाएं यहाँ से बल पूर्वक हटाएं गोली चलवाएं सर्जिकल स्ट्राइक ये देश के प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक करवाएं 3-4 बम मुश्किल से लगेंगे सौदा साफ हो जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा आप इंडिया में रहना भारत जो घर रहा है वो हट के अलग हट जाएगा एक तरफ इंडिया बना दिया एक तरफ भारत बना दिया इन्होंने इस देश के अंदर दो देशों की नीति बना दी इन्होंने गरीबों के लिए कोई अलग कानून और पैसे वालों के लिए गवर्नमेंट डिवेट के लिए अलग कानून उसकी पैरवी कर रहे हैं ये हमारे देश में मौजूदा सरकार जो बैठी है दूसरी बात ये कि जो किसान की बात कहाँ चलती है यहाँ पर जो गरीब मरता है आप कह रहे हैं कि शायद किसान मर गए उनके लिए सही पर भी जो कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहा अभी आपने देखा होगा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील भी की है कि यहाँ पर बुजुर्ग जो प्रदर्शन कर रहे हैं शामिल हैं आपके इसमें प्रदर्शन में बुजुर्ग है और बच्चे भी हैं महिलाएं भी हैं उनसे अपील की है कि आप प्रदर्शन में शामिल ना हो इसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसा देखने को मिली स्थिति
क्योंकि सीधा सीधा असर क्योंकि ठंड है, ठंड के चलते हुए बुजुर्गों पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। इस देश का अपनी जिम्मेदारी जैसे खेत में निभाता है, वो भूख देखता नहीं, रात देखता नहीं, चैन देखता नहीं, सुख देखता अपना, वो कमाने के लिए लॉकडाउन में भी उसने इसके भंडार भर दिए। और फिर देश के जो हमारे जो परिवहन मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद से पैदावार हो रही है, इसलिए दाम नहीं दे जा रहे हैं, हम मेहनत से नहीं दे सकते, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और बच्चा बच्चा देश के साथ आस्था जो जुड़ी हुई है वो चाहते हैं कि हम अपने देश को बचाएं, अपने किसान को बचाएं, आजाद रहें, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं बच्चा रुक पा रहा, नहीं बुरा रुक पा रहा है, हम किसी को कितना ही मना करें वो आंदोलन में आने के लिए अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा रहा। काफी तस्वीरें ये भी सामने आई है, प्रदर्शन किया जा रहा है हर जगह, हरियाणा पंजाब में भी, दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर किया जा रहा है प्रदर्शन। और इसी के चलते लोगों का ये भी कहना है कि प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन सही है, अपनी मांगों पर ये अमल है, सरकार से लगातार अपील भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के चलते लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे आवाजाही में भी है। और वहाँ पर ये भी तस्वीरें देखने को मिली है कि जहाँ पर अब स्कूल भी कहीं जगह पर शुरू हो गए हैं वहाँ पर इन्होंने डेरा डाला हुआ है सर, उनको दिक्कतें हो रही है और कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं सर। सरकार के लिए पूरे हुई सरकार को जगाने के लिए, अन्नदाता अपनी आवाज उठाने के लिए जिस राजधानी में हमने अपना प्रधानमंत्री चुनके भेजा है श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके साथ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए गए और जब सरकार उसको नहीं सुनना चाहती है तो उन्होंने पुलिस बल लगा के जवान और किसान जो हमारे भाई भाई है उनको लगाने के लिए बैरिकेड लगवा दिए और जो कहा है उसको वहां रुकवा दिया, कहाँ पहुंचने दे रहे हैं जो उनको अपनी आवाज देश के प्रधानमंत्री मन की बात देश की सरहदों पर कर रहे हैं और दिल्ली में किसान बैठा ठिठुर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है, इनसे क्यों नहीं इनको बात करने की इच्छा जताई प्रधानमंत्री ने। सिंह जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं आप बोलिए। करिश्मा जी आवाज किसान को अपनी आवाज उठाने के लिए किसी को बंधक नहीं बनाया जाता है, आज जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को बंधक बनाया है, हर जगह हरियाणा पंजाब में भी बुरारी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया जहां 2000 से अधिक छोटे छोटे उद्योग हैं और उनमें कम से कम 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, आज वो इंडस्ट्रियल वहां की बिल्कुल चौपट हो चुकी है और 10,00,000 परिवार भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं इन किसानों की वजह से, तो इनको अन्नदाता आप कैसे कहेंगे बताइए आप। तो सर ये भी कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं रोजगार खत्म कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक बैठे हैं, आप अपना अधिकार मांगिए, अपनी मांगे मांगिए, आपका अधिकार है, मगर ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करें। तो आप जिस तरह से आपका अधिकार है ऐसे उन बेचारे गरीब और इंडस्ट्रियल मालिकों का भी अधिकार है कि वो भी अपनी रोजी रोटी बचाए, तो आप अपनी मांगों के लिए क्या उनकी रोजी रोटी खत्म कर देंगे? आंदोलन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप आंदोलन करिए, तरीके से करिए, ऐसी जगह पे बैठिए जहां से आपको आंदोलन चले और दिल्ली में किसी को परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो। ये तो आप जो है ना जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आपने दिल्ली को बंधक बना लिया है, आप दूसरे की चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी सोच रहे हैं कि हमें तो जो है ना रास्ता बंधक बनाना है दिल्ली को, तो इसको आंदोलन कतई ही नहीं कह सकते, इसको तो सिर्फ तालिबानी कह सकते हैं कि तालिबानी हुआ बैठे। आयसिंह जी ये कह रहे हैं, नरसिंह जी ये कह रहे हैं कि जहां पर हम प्रदर्शन करने जा रहे थे और यही बात रखी है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है और वहीं पर उनको रुकवा दिया गया है, पुलिस प्रशासन उन्हें वापस भी नहीं जाने दे रही है। सरकार ने शुरू में ही इनको चुनिंदा जगह दी थी कि आप वहां जाइए और वहां पे बैठ के आप अपना आंदोलन करिए, मगर इन्होंने ये बात को नहीं मानी। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें कुछ किसान जो है ना हरियाणा और इधर राजस्थान बॉर्डर के ही किसान फिर भी को थोड़ा एक बात समझदारी से लेके आते, मगर जो पंजाब से किसान आए हैं वो टोटली ही जो है ना ये तालिबानी और खालिस्तानी एजेंडा लेके आए, वो किसान नहीं आए। मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ अपनी कि पंजाब से जो किसान आए हैं, आप सोचिए कि उन्होंने वहां के रिलायंस टावरों को तोड़ने का मतलब क्या है? क्या किसानों का ये एजेंडा है कि टावरों को नुकसान पहुंचाया जाए? क्या किसानों का ये एजेंडा है कि चलिए 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अहम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला है, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।